रविवार शाम पंचेल नगर में पूज्य सिंधी पंचायत संस्था पंचेल नगर द्वारा अजमेर के कोरोना योद्धाओं व वरिष्ठ पुलिस कर्मियों सहित किशनगंज थाने के ASHO और तमाम पुलिस कर्मियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। पूज्य पंचेल संस्था के अध्यक्ष राधाकिशन आहूजा, सचिव मनोज मेघानी सहित कॉलोनी वासियों ने किशनगंज थाने से लेकर पंचेल नगर पूज्य पंचायत झूलेलाल मंदिर तक सभी को पैदल मार्च कराते हुए उनका जगह जगह पुष्प वर्षा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। तालियां बजाकर सभी पुलिस कर्मियों और उनके कोरोना काल में दी गई ड्यूटी के प्रति आभार जताया गया। इस अवसर पर CO नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुनीता गुजर, थाना प्रभारी दिनेश कुमावत आदि का साफा पहनाकर और शॉल देकर सम्मान किया और पुलिस प्रशासन का आभार जताया। भारत माता की, भारत माता की। COVID-19 के दौर में जब कोरोना के भय से दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस दौरान अजमेर जिला की पुलिस प्रशासन ने जिस बखूबी से अपनी ड्यूटीज़ को 24/7 को 75 दिनों तक लगातार अपनी सेवाएं अजमेर की जनता को देने का काम किया, अजमेर शहर को कोरोना से बचाने का जो काम किया है उसके लिए साधुवाद के रूप में आज पूज्य सिंधी पंचायत पंचेल नगर की ओर से हमारे तमाम पुलिस प्रशासन का DYSP मैडम रघुवंशी जी और हमारे किशनगंज थाना के CI श्री कुमार जी और हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर मैडम सुनीता गुजर जी के साथ तमाम पुलिस प्रशासन का, पुलिस कर्मियों का यहाँ स्वागत और अभिनंदन में हमने किशनगंज थाना पुलिस से एक जुलूस के रूप में कॉलोनी से होते हुए और सिंधु भवन तक इनका अभिनंदन करने का कार्य किया, जिसमें तमाम पंचेल वासियों ने जो सहयोग देने का काम किया वो देखने लायक था और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी जो भी चैलेंज आएगा पुलिस प्रशासन और अजमेर की जनता मिलकर के और उस चैलेंज का सामना करने का काम करेंगे। आज पूज्य सिंधी पंचायत पंचेल नगर सिंधु भवन में जो अभी कोरोना महामारी का जो दौर गुजर रहा है, जो गुजर चुका है, उसके अंदर हमारे जो पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा है उसको हम धन्यवाद देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हमारे बीच में डिप्टी मैडम और अपने CI साहब दिनेश जी कुमार साहब और ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपने सुनीता गुजर जी, SP साहब भी पधारने वाले थे लेकिन बारिश का मौसम होने के कारण से और वो कहीं आ नहीं सके, उन्होंने फ़ोन पे मैसेज कर दिया था, जवाहर में अपने थोड़ा सा बिजी हो गए थे, मैसेज कर दिया था कि सॉरी मैं आ नहीं सकता, आप अपना प्रोग्राम रखें, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आज हमने पूरी पंचेल सिंधु भवन की तरफ से पुलिस प्रशासन का जगह जगह फूल बरसा के तालियां बजा करके उनका बहुत अच्छी तरह से कॉलोनी में स्वागत किया गया और आने वाले टाइम में इससे पहले भी हम नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का स्वागत कर चुके हैं और आने वाले टाइम में हम आपके मीडिया के माध्यम से बता दूँ डॉक्टर्स लोग हैं और मीडिया के जो लोग हैं उनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं बहुत जल्द और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस महामारी के अंदर आप देखेंगे कि पूरे वार्ड के अंदर किशनगंज इतना बड़ा वार्ड है उसके अंदर मतलब पूरा ग्रीन जोन को रखना ये एक पुलिस का बहुत बड़ा एक कामयाब कदम है। मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत खास करके किशनगंज थाने का हमारे SP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पंचेल के जो सोसाइटी है उन्होंने एक सम्मान समारोह रखा था वॉरियर्स के लिए, सिंधु भवन जो पंचेल सोसाइटी है उसने रखा था और इन्होंने एक तरीके से ये जो लंबी जंग अभी रही है उसमें पुलिस का जो कार्य रहा है उसकी सराहना हेतु ये रखा था, जो कि एक अपने आप में भाव विभोर करने वाली हम लोगों के लिए इवेंट है। इस पूरी जर्नी के अंदर शायद हम लोग सक्सेसफुल अगर हो पाए हैं तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमें पब्लिक का सपोर्ट बहुत मिला है एंड डेफिनेटली SP सर की जो लीडरशिप रही है इस पूरे एपिसोड में, उन्हें इस इवेंट में आना था बट कहीं पे बिजी होने के कारण वो नहीं आ पाए, तो उनकी लीडरशिप और पब्लिक का सपोर्ट जो था उसने कोरोना की जर्नी को यहाँ के अजमेर के जितने पुलिसकर्मी थे उनके लिए बहुत आसान कर दिया और उसी का नेट रिज़ल्ट ये है कि आज हम मैक्सिमम लिबर्टीज़ जो हैं उनको इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी सेफ इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को फील कर रहे हैं।